बॉलीवुड सुपरस्टार रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धूम मचा रही है। फिल्म क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को अच्छा रिस्पांस दिया है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे सांगरिका चक्रवर्ती की रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर है, जिनके बच्चों को नॉर्वे अथॉरिटी ने उनसे छीन लिया था। आसिमा छिब्बर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 17 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म में रानी मुखर्जी की दमदार एक्टिंग की काफी सराहना हुई है। बावजूद इसके मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए ओपनिंग डे से ही काफी स्ट्रगल कर रही है। चलिए जानते हैं फिल्म ने अपने रिलीज के 12वें दिन कितने की कमाई की है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के दमदार कंटेंट और रानी मुखर्जी की शानदार एक्टिंग की तमाम सेलेब्स ने भी जमकर तारीफ की है। क्रिटिक्स ने भी फिल्म की सराहना की है, लेकिन सिनेमाघरों में मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को ऑडियंस नसीब नहीं हुई है। फिल्म की ओपनिंग खास नहीं रही थी, हालांकि इसके बाद वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में मामूली इजाफा हुआ, लेकिन इसके बाद सोमवार और मंगलवार को एक बार फिर फिल्म की कमाई में गिरावट आई। अब फिल्म के 12वें दिन की शुरुआती कमाई के आंकड़े भी आ गए हैं। फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने अपने 12वें दिन करीबन 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन करीबन 16 करोड़ 33 लाख के पास पहुंच गया है। आपको बता दें, इस फिल्म का बजट 27 करोड़ के आसपास है। लीगल ड्रामा मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक लीगल लाइफ बंगाली इमिग्रेंट की स्टोरी है, जिसने अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए नॉर्वे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस पर अपने बच्चों का खराब पालन पोषण का आरोप लगाया गया था और उससे उसके मासूम बच्चों को छीन लिया गया था। रानी मुखर्जी ने पर्दे पर इस कहानी को अपने पावर पैक परफॉर्मेंस से बयां किया है। फिल्म में अनिबन भट्टाचार्य और जिम सरम ने भी रोल प्ले किया है। वैसे दोस्तों, आपने क्या ये फिल्म देख ली है? अगर देख ली है तो रानी मुखर्जी की एक्टिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।